ये देखिए मीटर बॉक्स है, इसके अंदर देखिए मीटर इंस्टॉल किया जा रहा है। ये थ्री फेज में ये पूरा मीटर है, ये देख रहे हैं, ये मेन सप्लाई बोर्ड है और ये RYB, ठीक है, थ्री फेज मीटर का कनेक्शन हो रहा है। ये देखिए पूरा बॉक्स काफी जबरदस्त है। आप सऊदी में माशाल्लाह बॉक्स पूरा एकदम सेफ्टी के साथ आता है। ये वाटर प्रूफ है ना भाई? पूरा वाटर प्रूफ में है। ये जो आप जो देख रहे हैं ना, ये टर्मिनल मेरे दोस्तों, ये इन है, ये आउटसाइड है, ये इन है। यहाँ पे मेन केबल आएगा जो कंपनी का होता है, और ये आउटसाइड है, ये जो घर के अंदर जाता है, यहाँ पे उस केबल का कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, अभी मैं मीटर भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये मीटर है, डिजिटल मीटर है ये पूरा। पहले आईडी नॉर्मली मीटर होता था, ये डिजिटल है। प्लस इसके अंदर नेट बैंक मतलब इंटरनेट भी सिस्टम है। इसके अंदर देखिए बैटरी भी लगती है और नेट का वायर लगता है इसके अंदर। यहाँ पे ये कैमरा है, अगर जो कभी कोई चोरी कर रहा है तो ऑटोमेटिक जो है कैमरा में फ्लश आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आउटसाइड थोड़ा सा है, इसके लिए यहाँ पे कैमरे का वायर नहीं लगा रहे हैं, नेट का वायर नहीं लगा रहे हैं। बाकी जो मेन सिटी होती है वहाँ पे बकायदा इंटरनेट का वायर लगा हुआ है, ये वाईफाई सिस्टम है। और यहाँ पर देखिए ये भी मीटर इंस्टॉल किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से इंस्टॉल होता है। और ये इसकी सारी क्लिप्स है केबल टाइट करने के लिए। अभी यहाँ पर मीटर फिट किया जाएगा, ये ऊपर वाले हिस्से पे, और यहाँ पे स्विच फिट की जो है की जाएगी, ब्रेकर जो होता है MCB ब्रेकर। और ये मेरे ख्याल से कितने एम्पियर में है भाई? 50 एम्पियर में। हाँ, इधर ही 10 माने तो है 50 एम्पियर में, थ्री फेस में है। ठीक है, इसी तरह से इंस्टॉल होता है। उसके बाद पूरा पहले यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद फिर दीवार पे इसको फिक्स कर देंगे केबल का कनेक्शन दे करके। काफी जबरदस्त, और केबल भी देखिए, ये मेरे ख्याल से 35 मिली की केबल की शायद है, ये 35 मिली है ना कि भाई? 35 मिली की देखिए केबल है पूरा। यहाँ पे केबल थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ इंडिया में जो आता है ना, जैसे ये चीज है ना, ये खोले, खोलने के बाद जो है ग्लैंडिंग करते हैं, ग्लैंड ग्लैंड बनने के बाद वो नट आता है, नट बोल्ट, इधर टाइट कर दिया, केबल कभी निकल ही नहीं सकता भाई। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, तो इंडिया में यूपी आजमगढ़। आप कहाँ से हो? रायबरेली से। मैं आजमगढ़ का हूँ, लेकिन फिलहाल करीब 20-22 साल से मुंबई रहता हूँ। वो ग्लैंडिंग करते है ना वहाँ पे, वो आर्मर होता है केबल के अंदर, जबरदस्त, फिर निकलता ही नहीं। इसका ये काम मैं बहुत किया इंडिया में। हाँ, इसका ये काम ट्रांसफार्मर लगाना कंपनी में जो लगता है, कंपनी में जो प्राइवेट ट्रांसफार्मर होता है ना, वो सब बहुत काम किया। इंडिया, बांग्लादेश, चोर, खाली चोर, क्या करे भाई, उधर पैसे नहीं है ना। वही भाई, इंडिया, बांग्लादेश, खाली चोर, बस मादर सुद लोग बैठ के पूरा मुंह खा रहा है। और दोनों बेकार मीटर खोल दो, बेकार भी खोल दो। देख रहे मेरे दोस्तों, पूरा एकदम जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है। इंस्टॉल होने के बाद अभी फिर ये दीवार पे फिक्स होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और वहाँ पे हमारी केबल जो मेन केबल कंपनी से लगी है वो 105 है, कितने वाली है? 70। हाँ, मैं यूट्यूब। अब यहाँ पर देखिए, ये मीटर जो है यहाँ पे फिट हो रहा है, देख रहे हैं, थ्री फेस में है, इनपुट और आउटपुट। यहाँ से पूरा इन होगा, उसके बाद यहाँ से आउट होगा। आउट होने के बाद फिर यहाँ पे ये इस टर्मिनल में आएगा, और इस टर्मिनल में जो है जो अंदर से केबल आता है उसका कनेक्शन किया जाएगा। आगे मेमो समुद्र में लगा ना, इधर 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 भाई इधर। यहाँ पे देखिए, ये अर्थिंग का टर्मिनल, वहाँ पे अर्थिंग कनेक्शन कर दिया गया, और वो लास्ट में न्यूट्रल है। और ये MCB ब्रेकर है, देखिए 50 एम्पियर का है, और इसमें स्विच भी सिस्टम है, आप यहाँ से जो है कि लॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये काम नहीं करेगा। अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नहीं,
यहाँ पे देखिए ये कवर खोलने का ये लॉक है, पंचिंग सिस्टम है। ये देखिए यहाँ पे ये खुल गया, ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रल लास्ट में देख लीजिए कि मीटर में कनेक्शन कैसे होता है मेरे भाई। ये देखिए यहाँ पे ये न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। उसके बाद फेस हमेशा आर वाई बी हमेशा उल्टे हाथ से यानी लेफ्ट से फेस चलता है मेरे भाई। लेफ्ट में पहले रेड, उसके बाद येलो, उसके बाद जो है फिर ब्लू। एक चीज़ हमेशा याद रखना, पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे फेस हमेशा लेफ्ट से चलता है, राइट से नहीं, लेफ्ट से, आर वाई बी। ये देखिए ये लास्ट में बी आ गया यानी ब्लू, उसके बाद फिर वाई बीच में, उसके बाद रेड। ओ भाई यस, ये देखिए देखिए मेरे भाई आर वाई बी। अब जो एक एक टर्मिनल ये बचा है ना यहाँ पे, ये इनका कनेक्शन आएगा यहाँ से, यहाँ से यहाँ पे मीटर ये क्या ब्रेकर लगेगा, फिर ब्रेकर में से फिर यहाँ पर जाएगा। और ब्रेकर का काम देखिए यहाँ पर हो रहा है लंकी से, पूरा इसका जो है खोला जा रहा है टर्मिनल। इसमें डबल स्क्रू दिया होता है ताकि स्पार्क ना हो, एक स्क्रू अक्सर जो मिस हो जाता है ना तो वायर हिलता है तो स्पार्किंग होती है, तो फिर स्पार्किंग जब होती है ना तो धीरे धीरे इसका जो ये पीवीसी होता है ना ये पुली कैप, ये धीरे धीरे फिर जलने लगता है, तो जल जल के फिर धीरे धीरे ये खराब हो जाता है। इसके लिए हमेशा जो है कि पूरा फुल स्क्रू टाइट किया जाता है ताकि वायर जो है स्पार्क ना हो, समझ गए मेरे दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, कभी भी चाहे स्विच में हो या मीटर में हो या एमसीबी बोर्ड में हो, कहीं भी हो, वायर हमेशा पूरा फुल टाइट करें यानी ज़रा सा भी हिले नहीं, वरना फिर स्पार्क जब होता है तो बहुत ज़्यादा हीटिंग करता है। स्पार्क का मतलब जैसे चूर 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 आवाज़ आती है ना, उसको बोलते हैं स्पार्क होना। आप कहाँ से हो? पाकिस्तान? अफगानिस्तान से? अब कहाँ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान तो खत्म हो गया, उसका नाम बदल के इमारत क्या रखा गया भाई? किसका? अफगानिस्तान का नाम इमारत इमारत क्या रखा गया है? अब ये देखिए ये इन केबल का कनेक्शन हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये देखिए ये इन केबल का कनेक्शन हो गया, और ये केबल का जो टुकड़ा है ना ये सीधे ब्रेकर में आएगा, यहाँ से ब्रेकर में जाएगा इन, वो आउट होकर के मीटर में जाएगा, फिर वहाँ से रिटर्न जो है यहाँ पर सप्लाई आएगा। जब ये स्विच ऑन करेंगे यहाँ से करंट वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से मीटर में से रिटर्न होकर के यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे जो आपकी बिल्डिंग का केबल होता है उसका कनेक्शन यहाँ पर होगा। और ये ब्रेकर पॉइंट है, देख लीजिए ये चीज़ यहाँ पर लगेगी। अब ये देखिए ब्रेकर जो है यहाँ पे अभी इंस्टॉल किया जा रहा है, ये इन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से किरण जो है यहाँ पे मेन केबल लगेगा, यहाँ से किरण जाएगा यहाँ पर और यहाँ से मीटर में जाएगा। उसके बाद जो है कि फिर देखिए यहाँ पे ये आउट पॉइंट है, इसको बहुत ही सिस्टम से सेटिंग करना पड़ता है मेरे भाई, क्योंकि इसका वायर जो है स्क्रू जो है ना इधर उधर ना हो, एकदम परफेक्ट बैठ जाए ताकि एमसीबी ब्रेकर जो होता है वो पूरा फुल टाइट हो जाए। ये देखिए इसके अंदर हो गया कनेक्शन, अब वहाँ पर इसको मैचिंग कर रहे हैं। ये देखिए ये स्क्रू है, अब इसको यहाँ पर डाल कर फिट कर देंगे। ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ना, ये शटर पट्टी, ये एडजस्टिंग के लिए था, ये ऊपर नीचे आप जिस हिसाब से एडजस्ट करना चाहे, इसको और ऊपर खसकाना चाहे तो स्क्रू ढीला कर दीजिए ऊपर खसक जाएगा, नीचे करना चाहे तो नीचे हो जाएगा,
ये देखिए यहाँ पे ये हो गया वाई बी, और ये हो गया वाई, ये इन कनेक्शन में दोस्तों, और ये हो गया रेड। ये 35 का केबल है, थोड़ा सा सख्त होता है, इसको हल्का सा बेंड करेंगे ताकि आराम से बैठ जाए उसके अंदर। ये देखिए कनेक्शन हो करके ये हो गया कंप्लीट। अब इसको पूरा फुल कर देंगे टाइट ताकि वही स्पार्क वाला सिस्टम की स्पार्किंग ना हो। ये देखिए ये हो चुका पूरा फाइनल। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ से देखिए मेन आएगा केबल, ठीक है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर केबल का कनेक्शन होगा। यहाँ पे रास जो है कि रास केबल लगा करके केबल में, ये रास केबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको भूल गया यार। ये लेग जो है कि 35 और 12 का मेरे ख्याल से है ना, 12 का ना, हाँ 12 का, 35 12 का है क्योंकि ये नट बोल्ट 12 का है ना। तो यहाँ पे देखिए इन कनेक्शन हुआ RYB, ठीक है, और यहाँ से आउट निकला RYB, और ये मीटर का आउट होकर के यहाँ पर देखिए आया, फिर यहाँ से अब सीधे घर के अंदर का जो कनेक्शन, जो केबल आता है वो कनेक्शन होगा। और ये इसका ये सेफ्टी कवर है, इसको लगा देंगे यहाँ पर, और इसका सेफ्टी कवर देखिए यहाँ पर है, इसको लगा देंगे यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से देखिए कनेक्शन होता है मीटर का। मेरे ख्याल से वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ यार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।